सो गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग डिपेंड कर रहा है आप कितने बजे ये वीडियो देख रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ अ डिफरेंट वीडियो जहाँ पे वी आर गोइंग टू रिव्यू गो एयर। नाउ देयर वाज अ फेमस यूट्यूबर कॉल्ड जॉश कैहल। वो क्या करता है, ही गोज इनटू डिफरेंट व्हाट यू कॉल एयरप्लेन्स एंड ही रिव्यूज देम। तो उसने बहुत ही घटिया रिव्यू दिया था गो एयर का, एंड गो एयर इज़ नॉट वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एयरलाइन। एंड मैंने सोचा कि चलो अगर ये बोल रहा है सो एक मेरे को बॉम्बे आना था, सो आई बुक्ड अ बॉम्बे कलकत्ता बॉम्बे फ्लाइट ऑन गो एयर एंड ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस। बाय द वे मेरा रिटर्न फ्लाइट भी बॉम्बे कलकत्ता का है, मैं लगेगा तो आई विल ऑल्सो ऐड टू इट। सो चलिए देखते हैं एंड जर्नी शुरू होता है इससे पहले एंड आई विल टेक यू देयर। आज हम लोग बात करेंगे गो एयर के बारे में, विच इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द वर्स्ट एयरलाइन दैट आई हैव फ्लू इन डोमेस्टिक सर्किट। दो चीज़ें हैं, कलकत्ता एयरपोर्ट रिमेन्स एज ग्रम्पी एंड वॉबली एज एवर। दोपहर का टाइम है, कुछ 2:30-3 बजे हैं, हालात दिखाता हूँ। अटली मस्ट मैनेज, बट खैर आज का रिव्यू वो नहीं है, आज का रिव्यू है गो एयर और गो फर्स्ट फॉर दैट मैटर। एंड लेट्स सी, बोर्डिंग पास मिल गया है। बाय द वे अगर आप गो एयर या गो फर्स्ट में चढ़ रहे हैं, ये याद में रखना कि आपको बैगेज स्कैन करना पड़ेगा। सो मैंने पूछा काउंटर में, क्या सीनियर, बोले वो एक पर्टिकुलर इनलाइन स्कैनिंग मशीन इन लोगों का नहीं है। सो एयर एशिया एंड गो फर्स्ट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं स्कैन करना, बिकॉज मेरे को बहुत टाइम वेस्ट हुआ, मैं लाइन में खड़ा रहा, फिर ये लोग बोले नहीं जाके स्कैन करा के लाओ। बट एनीवे चलिए आगे चलते हैं। सो चेक इन डन, इनफैक्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट चेक इन दैट हैज हैपेंड इन कलकत्ता एयरपोर्ट बहुत दिनों के बाद। चलिए आगे चलते हैं। एज ऑफ नाउ द फ्लाइट लुक्स टू बी ऑन टाइम, देखते हैं, बने रहिए। यहाँ पे लाउंज चालू हुआ है कि नहीं, हम जाके देखते हैं कि लाउंज अगर चालू हुआ कि नहीं। लाउंज आर लाइक दिस, चलो देखते हैं। वाओ, फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको सीढ़ी से जाना पड़ेगा। लो चट के फोन कर, लाउंज इज ओपन, बट जो भीड़ दिख रही है मेरे को, दिखाता हूँ हम लोगों को, इट्स टू मच फॉर कंफर्ट। ये देखो विश्व बंगला, जहाँ पे बहुत सारे पैसे देके छोटी छोटी चीज़ आपको मिलेगी। चलो नीचे चलते हैं। Is a gate for Bombay, right? Yes, sir. Yes, sir. When you start boarding? Shortly, sir. Once the crew will report, we start boarding, sir. So the flight that we have booked was supposed to leave at 5:30. So iska bhi change ho gaya hai. And although thankfully ek din pehle hi logon ne bol diya tha, aur rather 2 din pehle hi logon ne bol diya tha ki abhi prepone ho ke 4:50 pe chhutegi. तो अपने अभी देखा कि मैंने पूछा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे दैट यार द बोर्डिंग विल स्टार्ट सून। टेक्निकली द बोर्डिंग शुड स्टार्ट अराउंड 4:10, अभी टाइम हुआ है अराउंड 4, सो वी स्टिल हैव सम टाइम। तो लेट्स सी, अभी तक तो थिंग हैज़ बीन प्रीटी स्मूथ, विच नॉर्मली इज़ नॉट द केस फॉर गो एयर, रीज़न दैट आई वाज मेकिंग दिस वीडियो। लेट्स सी पूरा जर्नी कैसा रहता है। बाय द वे आई पेड अराउंड 4,700 रुपीज़ फॉर दिस फ्लाइट एंड आई बुक्ड अराउंड 55 डेज इन एडवांस। सो या दैट्स हाउ इट इज।
Got the emergency road seat. अगर आप देखोगे ये उतना है नहीं, उतना नॉर्मली इंडिगो में होता है, बट देन यू पे 750 फॉर दीस सीट्स. इट्स ऑलमोस्ट बोर्डिंग एंड स्टार्टिंग ऑन टाइम एंड लेट्स सी चार पुस्ते हैं. नॉर्मली होता नहीं है एंड 2 घंटे 15-20 मिनट का फ्लाइट होना चाहिए. एज ऑफ नाउ द सर्विस हैज बीन प्रीटी गुड. द सिक्योरिटी थिंग ऑल्सो हैज बीन गुड विद जॉश हैज एक्चुअली मेंशन ऐसा हुआ नहीं, प्रॉपर डीब्रीफ किया, सब कुछ किया एंड ऑल दैट. सो दैट्स इट. देखते हैं वी लैंड एंड हाउ द एंटायर प्रोसेस इज. एयरपोर्ट में गेट योर कोविड सर्टिफिकेट विथ यू बिकॉज प्रॉपर चेक होता है, मतलब दवा के चेक होता है. सो ओवरऑल कैसा रहा गो एयर का एक्सपीरियंस? ऑनेस्टली आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज बिकॉज नॉर्मली इससे पहले गो एयर का मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास था नहीं. एंड इसका कारण है कि मोस्टली ऑन बोर्ड स्टाफ हैज़ बीन प्रीटी रूड. उन लोगों को बात करने की आदत होती नहीं थी एंड ऑल दैट. बट ये जॉश का वीडियो देखने के बाद मैं सोच रहा था मेरे को भी कुछ मसाला मिलेगा या कुछ करने के लिए. बट ऑनेस्टली एवरीथिंग वाज स्मूथ स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, कैबिन क्रू, एवरीबॉडी. इनफैक्ट द फ्लाइट फ्लू ऑन टाइम. द ओनली थिंग वाज सरप्राइज इज दैट कुछ 2 घंटे 40 मिनट लगा इसको लैंड होने में, विच आई वाज सरप्राइज बिकॉज नॉर्मली मैं इंडिगो में ट्रैवल करता हूँ इस वाला सेक्टर. यहाँ पे नॉर्मली 2 घंटा 10-12 मिनट में लैंड कर देता है. हेड विंड टेल विंड का कुछ चक्कर होता है. बट या सो अगर बताइए ये अगर आपको सो सॉरी जॉश कमिंग टू द एंड पहले सॉरी जॉश आई डोंट थिंक यू आर राइट. समवेयर डाउन द लाइन गो एयर हैज़ इम्प्रूव एंड इम्प्रूव वेल. एंड आप लोग बताइए ऐसे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आता है तो मैं और करूँगा. एंड ये अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. दैट वुड बी वंडरफुल. थैंक यू एंड स्टे सेफ.